नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की रविवार को यानी आज 9 जून को शपथ लेने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। शुक्रवार को हुई बैठक में नव निर्वाचित सांसदों ने सर्वसम्मति से मोदी को अपना नेता चुना। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 बजे होगा। शपथ ग्रहण से पहले महात्मा गांधी को नमन करने के लिए पीएम मोदी राजघाट जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक रिलीज के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सीएशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पविंद्र कुमार जुगनूत, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टॉबगे ने भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। साथ ही विशिष्ट अतिथियों में दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन की वरिष्ठ सहायक लोको पायलट ऐश्वर्या एस मेनन, जो वंदे भारत ट्रेनों पर काम करती है, को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। ऐश्वर्या मेनन ने वंदे भारत एक्सप्रेस और जन शताब्दी जैसी प्रतिष्ठित ट्रेनों में 2 लाख से अधिक फुट प्लेट घंटे चलाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।